मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खबर सुनकर पाकिस्तान में मची हड़कंप। इमरान खान सहित पाकिस्तान के लोग के मन में बैठा डर। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता लौटने वाले हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनकर अपने खूंखार रणनीतियों से तगड़ा जलवा बिखराएंगे, और इससे पहले पाकिस्तान को तगड़ा सदमा लगा हुआ है तो जाने। लोकसभा 2019 के सारे चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब बस थोड़ी देर में नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े देखा जाए तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसको तगड़ा झटका और डर लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाली खबरों की वजह से पाकिस्तान के चैनलों में हड़कंप मच गई है। यह बार बार महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास, रक्षा, सुरक्षा और लड़ाई तो कर रहे हैं, जबकि पुलवामा और बालाकोट में हुए हमले और अभिनंदन का मुद्दा भी यह बहस कर नजर आ रहे हैं। भाषण से फिर से सरकार बनाने के कारण जम्मू कश्मीर में धारा 270 और 35 से हटाने की बात करी जाएगी, जिससे कश्मीर में माहौल बड़ी तेजी से बदलने वाला है और इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान मीडिया ने माना है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तो यह कश्मीर से जुड़ी धाराओं से छेड़छाड़ करेंगे और वह खून खराबे स्थिति जरूर पैदा होगी। पाकिस्तान से विशेषज्ञों ने यह बात कही कि 70 साल में अभी तक पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिला जिसमें नतीजे के बारे में पाकिस्तान सोच रहा है। इस चुनाव का विशेष महत्व दोनों देश में रहेगा। पाकिस्तान ने माना है कि ऐसा हालत युद्ध के माहौल बन जाए, नरेंद्र मोदी 5 साल के लिए फिर प्रधानमंत्री बन गए तो देश की तरक्की की राह पर पहुंचेगा और कश्मीर के मसला भी ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान मीडिया ने यह भी बताया कि मोदी के सत्ता में आने से भारत का विकास होगा, जबकि कश्मीर से सकारात्मक पहल भी करी जाएगी और कश्मीर में प्रति कोई हल निकाला जाएगा। इस खबर से संबंध सवालों के लिए कमेंट करके बताएं और ऐसी खबर पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।